देखिए फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बकरियों को नहला रहा हूँ। इनको जो है जुएँ बहुत हो गई हैं और गर्मी में दो तीन बार नहलाया, इसके लिए जो है थोड़ा सा कम हो गई हैं। लेकिन ये लास्ट ठंडी का मौसम चालू हो गया है, लास्ट के जो है एक दो बार और नहलाना है इनको। जो है जुएँ ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ठंडी में अंडे बच्चे करके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं नहला रहा हूँ ये लोग को अच्छी तरह से। और ये टंकी है, यहाँ पर टंकी रखा हूँ, देखिए ये दिखाता हूँ। ये टंकी है, इसमें देखिए मैं दवा मिला कर रखा हूँ। मैं वीडियो जो है अलग से रिकॉर्ड करके आवाज़ अलग से डाल रहा हूँ, क्योंकि मोटर का आवाज़ इतना तेज़ है कि यहाँ कुछ सुनाई नहीं देगा। इसके लिए मैं जो है पहले वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, उसके बाद फिर जो है आवाज़ जो है इसको डाला हूँ। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, देखिए टंकी यहाँ पर है, तो आप लोग जो है देख सकते हैं। अगर जुए ज़्यादा हो जाए तो इनको ध्यान देना चाहिए, ठंडी के पहले नहला देना चाहिए। ठंडी में इनको नहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडी में नहलाने से ये लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। और मैंने जो है इसे नहला दिया है आज, इसके बाद हफ्ते के बाद एक दिन और जो है नहला दूँगा, ये जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो है पूरे ठंडी ठीक से रहेंगी, फिर ठंडी ख़त्म होगी, फिर उसको नहलाना शुरू करूँगा। मैं गर्मी में 10 से 15 दिन में एक बार ये लोग को ज़रूर नहलाता हूँ, इसी तरह से मोटर से नहला देता हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत बकरियाँ हैं। आपने वो कैसी लगी वीडियो बताइएगा। कोई सवाल हो बकरी फार्म से रिलेटेड या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इस काम में 9 साल हो गए हैं, इसके लिए आप लोग को पूछता हूँ, कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिए। ओके बाय।